एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी ऑफिसर ब्लांस। गाइस, सभी को बताया कि द आरबीआई असिस्टेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ अपना। मेरा एग्जाम 26 तारीख को 30 शिफ्ट में था, ठीक है। और वो शिफ्ट इतनी ईजी आई थी तो मैं बता नहीं सकता कि 90 अटेम्प्ट मैंने करके आया था विद 100% एक्यूरेसी। देख लेते हैं क्या हुआ है। वैसे मैंने रिजल्ट देखा हुआ है, मेरा नहीं हुआ, ठीक है। ये 30 रखता हूँ, 9 मैच, ठीक है। अगर मैं 36 रखता हूँ तो मेरे आसपास का एक रोल नंबर हुआ है 36 वाला, ये 36 वाला होगा, लेकिन 30 वाला यानी कि मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने तो 90 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी शिफ्ट ईजी आई थी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इनका जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है गाइस, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। और यहाँ पर जो वैकेंसी का जो आउटकम था, यानी कि जितने लेने थे इनका, तो उसमें से 20 गुना एक्चुअली होता है, लेकिन इस बार 10 गुना लिए गए। तो आप समझ सकते हो, जैसे मैं सीधा वहाँ पर जाऊँ कि वैकेंसी डिटेल पर, तो आप देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल पर। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या हुआ ज़रूर बताना, ठीक है, जब तक मैं वैकेंसी डिटेल दिखाई दे रहा हूँ। अब समझो यार, जैसे कि यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो पूरा ऐसा हो कि अलग अलग पूरी कैटेगरी वाइज बटी हुए पूरे उस तरह। सेंट्रल पे होता तो ज़्यादा सही होता। देखो तो जैसे अहमदाबाद मान लो, समझ लो अगर SC की एक है तो इसका 10 गुना 10 लोगों को सिलेक्ट किया होगा, लेकिन कितने हज़ारों ने फॉर्म डाला होगा। तो एक बंदा वहाँ पर 10 बंदे जाएंगे मेन से देने। कभी कभी तो लगता है ऐसा, अधिकतर जहाँ पर भीड़ रही है कानपुर लखनऊ पे रही है, यहीं पर वैकेंसी 63 रही है। मैंने भी यहीं से डाला था, जिसमें देख ही सकते हो यार वैकेंसी डिक्रीज हुई है क्या यार। मुझे लगता है SC की 28 थी और OBC की और ज़्यादा थी, यहाँ पर वैकेंसी कुछ डिक्रीज टाइप लग रही है मुझे। न्यू PDF है या अभी वाला ओवरऑल 926, देखो 975 थी शायद ना। तो यार डिमोरलाइजेशन बिल्कुल ना होना, हम तो बिल्कुल से यार हमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं हुआ फालतू का टेंशन क्यों लेना, अगली बार होगा। अब बताओ ये छोटी मोटी जॉब के लिए 40,000 की जॉब करने के लिए बताओ आउट ऑफ आउट नंबर लाना पड़ेगा, क्या मुसीबत है यार। आप लोगों को क्या हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो मतलब ये चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि नए नए प्लान बताता रहता हूँ मैं, ठीक है। चलो थैंक यू।